मैं ये आज की वीडियो खास तौर पे ये आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। सबसे पहले तो एक्सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने पैसे रोक के रखे हुए थे, पाकिस्तान में पैसे नहीं ला रहे थे, मेरा अपना ख्याल है भाई एक्सपोर्टरों, ये जो 270 रुपये है ना, ये आपके लिए लॉटरी है इस वक्त, और इस लॉटरी को कैश कर लें। और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान लालच में अपनी लॉटरी को कैश नहीं करता तो बाद में पछताता है। आप पछताएंगे क्योंकि इससे अच्छा रेट नहीं मिल सकता। आपको 250 रुपये से ऊपर नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ हमारी इस हुकूमत की ना अहलियाँ, गलतियाँ, इसहाक डार साहब की जिद, उसकी वजह से ये हो गया। ये हो सकता है कि बाद में अगर इसहाक डार साहब सही तरह चले तो ये 230-240 वापस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाए जो लोग जिन्होंने डॉलर को पकड़ लिया कि बहुत बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अरे बेवकूफ़ो, आप अगर डॉलर को रखते हो तो आपको क्या मिलेगा इससे? डॉलर की कीमत 5 रुपये बढ़ गई, 10 रुपये बढ़ गई, उस पर नाचते रहोगे? उससे ज़्यादा हुकूमत है पाकिस्तान आपको दे रही है, पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम दे रहा है। अगर आज आप 270 का डॉलर जो है छोड़ देते हो और उसको जो है सिर्फ इस्लामिक भी है ऑप्शन, नॉन इस्लामिक भी है, 15% कम अज़ कम आप इस पर साल का कमा सकते हो। 15% का मतलब 270 रुपये के पीछे जो है 40 रुपये होता है, यानी कि अगर आज आप 270 का 265 का डॉलर बेचते हो और सीधा चले जाते हो बैंक में तो आपको जो है 40 रुपये गारंटी एक साल बाद मिल जाएंगे, यानी 270 प्लस 40 310 डॉलर, 310 अगले 3 साल नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह इसहाक डार साहब और ये नहीं है, अगर ये पॉलिसी सही रखें पाकिस्तान का पोटेंशियल है। पाकिस्तान के जरे मुबादला के जखायर तो 3.5 अरब डॉलर हो गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान में इससे कई गुना ज्यादा डॉलर मौजूद है लोगों के लॉकरों में, हाथों में, इधर उधर ओपन मार्केट में, करेंसी इन सर्कुलेशन की शक्ल में। और इससे ज्यादा का जितनी हमें गोल्ड की रिक्वायरमेंट थी, जितनी हमारे मुल्क में शादियां होनी थी, उससे कई ज्यादा का गोल्ड हमने मंगा के रख लिया। मार्केट है वो कहीं ना कहीं करेक्ट होती है, और मेरा अपना ख्याल है कि ये करेक्ट होने जा रही है। तो बहराए मेहरबानी आप जो है मजीद अपना, मैं आपके नुकसान की बात कर रहा हूँ इस वक्त, आपके नुकसान को बचाने की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की तो देखें हमें बहुत फिक्र है और खान साहब को भी बहुत फिक्र है, लेकिन अब ऐसे इसको जो है ना जिसे कहते हैं कि बेयारों मददगार भी नहीं छोड़ सकते।